वर्तमान में अरुणाचल में बड़े पैमाने पर कोयला सिंडिकेट चल रहे हैं। इस सिंडिकेट से जुड़े अरुणाचल के एक कैबिनेट मंत्री से लेकर एक बेहद करीबी व्यक्ति तक हैं, जो असम के कैबिनेट मंत्री हैं। गौरतलब है कि कमलोंग मोसांग पिछले 10 सालों से अरुणाचल प्रदेश के खनन मंत्री हैं। आरोप है कि इस कमलोंग मोसांग के नेतृत्व में अरुणाचल में कोयला सिंडिकेट खुलेआम चल रहे हैं। कमलांग मोसांग ने असम के कैबिनेट मंत्री के करीबी व्यक्ति को कोयला सिंडिकेट चलाने की सारी जिम्मेदारी दी है। पता चला है कि संजीव हजारिका का सिंडिकेट फोर्स कोयले से लदे प्रत्येक डंपर से 13,500 रुपये वसूलता है। यह पैसा संजीव हजारिका की ओर से कुछ लोगों द्वारा एकत्र किया जाता है। इनमें एक पुलिसकर्मी का नाम भी बताया गया है। टिकट नाम का पुलिस कांस्टेबल संजीव हजारिका के लिए सिंडिकेट का पैसा इकट्ठा करता है। इसके अलावा संजीव हजारिका की ओर से एक कबांग हक्की और चांगन मसांग मिलकर पैसे इकट्ठा करता है। सूत्रों का दावा है कि संजीव हजारिका सिंडिकेट कलेक्शन का 40% हिस्सा अरुणाचल सरकार को और 30% मंत्री कमलंग मोसांग को देते हैं। इतना ही नहीं, इस डंपर चालक ने यह भी कबूल किया है कि संजीव हजारिका मंत्री के आशीर्वाद से कोयला सिंडिकेट चला रहा है। हालांकि हम सुरक्षा कारणों से उसकी पहचान सार्वजनिक करने में विफल रहे हैं। इस बीच प्रत्येक डंपर से 13,500 रुपये इकट्ठा करने के बाद वे एक रसीद प्रदान करते हैं और इस तरह संजीव हजारिका रसीदों पर हस्ताक्षर करते हैं। इससे साफ है कि अरुणाचल के खनन मंत्री कमलोंग मोसांग के संरक्षण में संजीव हजारिका ने अरुणाचल प्रदेश के पूरे कोयला सिंडिकेट पर नियंत्रण कर लिया है। अब डंपर चलाता है ना? डंपर चलाता है। पार डंपर में कितना करके लेता है? 13,500। कौन कौन लेता है? संजीव हजारिका। संजीव हजारिका ना?